तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हिटपॉ के वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर का। सोचो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुका है जो कि एआई की हेल्प से रियल टाइम में आपकी आवाज़ को बदल सकता है। सोचो, मान लो आप एक गेम खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, वहाँ पे आप लोग रियल टाइम में भाई लड़की बन सकते हो, रियल टाइम में भाई कोई दूसरी मतलब जानवर की आवाज़ आ सकती है, कोई कार्टून की आवाज़ आप लोग निकाल सकते हो और अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। वो लोग सोचेंगे, यार ये क्या, ये कोई नया प्लेयर ऐड हो गया है क्या। आप मान लेते हैं एक लड़की हो और आप अपने दोस्तों के साथ पबजी या फिर फ्री फायर खेल रही हो, बट आप सोचती हो चलो इनसे थोड़े से आज मज़े लेते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, हिटपॉ के वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना है और आपकी आवाज़ हो जाएगी एक क्रिस्पी लड़के जैसी और आप लोग उनसे मज़े ले सकती हो। आइए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इसकी पूरी डिटेल, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, इनकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोग सिंपल से इनकी वेबसाइट पे आ जाओगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हिटपॉ ही हैं। सो थैंक यू, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को स्पॉन्सरशिप दिया। तो आज हम लोग हिटपॉ के वॉइस चेंजर को रिव्यू देने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इनकी वेबसाइट पे मतलब जाने के बाद तुम लोगों को यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। और हिटपॉ की जो मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, मैंने इनको पहले भी यूज़ किया है, काफ़ी कमाल के इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैंने इनके पुराने सॉफ्टवेयर्स जो थे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, इनके वीडियो इन्हेंसर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है और वाकई में रिजल्ट्स तो भाई मतलब टॉप नॉच होता है, ठीक है। तो आज हम लोग वैसे तो वॉइस चेंजर का यूज़ करने वाले, तो फिलहाल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल से इनकी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे देखो ट्राई इट फॉर फ्री यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है सिंपल से। और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये भाई यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर गेम्स, जितने भी आपके पॉपुलर गेम्स हैं उनमें चलता है। आप लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे ना, यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे चल रही है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि किन किन जगहों पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बहुत सारे गेम्स के ऊपर सपोर्टेड है और उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीम्स अगर आप लोग करते हो, यूट्यूब, ट्विच, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, किसी पे भी लाइव स्ट्रीम करते हो तो वहाँ पे भी ये सपोर्टेड है। और भाई एक दो खास चीज़ें इसके अंदर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी चीज़ें। बट सबसे पहले हम लोग अपना आखिरी वाला सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हम लोग भाई जूम, स्काइप और यहाँ पे डुओ के ऊपर मीटिंग्स करते हैं और यहाँ पे मीट भी है, इन सब के ऊपर हम लोग मीटिंग्स करते हैं। तो भाई अगर मीटिंग के टाइम में आप लोग भाई अपनी आवाज़ को चेंज करके मज़े लेना चाह रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की वेबसाइट के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, चलो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई मतलब इसका इंटरफेस कैसा है और ये भाई मतलब आखिर चलता कैसे। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छे से ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा इंटरफेस बता दे रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें वॉइस कैसे चेंज होती है, ठीक है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं, आप लोगों को उन चीज़ों को कर लेना है, ठीक है। क्या सेटिंग्स हैं, आप लोगों को सिंपल से ये सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे देखो इनपुट के सेक्शन पे अगर मान लेते हैं आपके में आवाज़ की कोई दिक्कत आ रही है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है या फिर भाई बहुत ही बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा है, तो आप लोग इनपुट के सेक्शन से यहाँ पे अपना माइक्रोफोन चेंज करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 सेक्शन दिख रहे हैं, बट जब आप लोग फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो आपको हिटपॉ का एक यहाँ पे वॉइस ड्राइवर का भी ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपके माइक्रोफोन से कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग उसको भी सेलेक्ट करके देख सकते हो कि क्या उसको सेलेक्ट करने से हमारी वॉइस में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस मिल जाता है, आप लोग इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलो ठीक, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती, मैं कहता हूँ अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो डिटेक्ट का ऑप्शन है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट कर देना, बाकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्टेड है, सब खत्म, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो क्लासिक वॉइसेस के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग जितनी भी यहाँ पे वॉइस हैं सारी की सारी टॉप नॉच हैं, सारी की सारी बहुत ही कमाल की है। मैंने सारी वॉइस को यूज़ किया, अभी एंड में आपको हर एक वॉइस का यहाँ पे टेस्टिंग मिल जाएगा जिस जिसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ आप सिंपल से जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे उसकी वॉइस आपकी वॉइस से कनेक्ट हो जाएगी और AI लाइव में आपकी आवाज़ को उसकी वॉइस में ट्रांसलेट करेगा, मतलब चेंज करने लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने मिनियन के ऊपर सेलेक्ट कर दिया ना तो मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल मिनियन जैसी हो जाएगी। अगर मैं अभी यहाँ क्लिक कर दूंगा तो भाई यहाँ अभी चलने लगेगी, बट मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग के टाइम मेरी आवाज़ मिनियन जैसी हो जाए। एंड में आपको उसका एक छोटा सा ट्रेलर मिल जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से आपको यहाँ क्लिक करना है और आपकी आवाज़ मिनियन में हो जाएगी कन्वर्ट, ओके।
और यहाँ इन लोगों ने एक बहुत ही कमाल का फीचर भी दे रखा है की बाइंड का। की बाइंड क्या होता है, यहाँ पे सिंपल से आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जैसे मैंने क्यू लगा दिया, ठीक। अब मान लेते हैं हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, तो सिंपल से जैसे मैं वहाँ पे क्यू दबाऊंगा ना, तो मेरी वॉइस अपने आप मिनियन की वॉइस में कन्वर्ट हो जाने वाली। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर मुझे इनका लगा। सिंपल से मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, इससे हमारा ये जो क्यू का सेक्शन है वो हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आपको। सिंपल से आपको क्या करना होता है, हियर माई सेल्फ के ऊपर अगर आप लोग टिक कर दोगे तो आप लोग जो भी बोल रहे होगे ना, उसके बाद आप लोग हेडफोन लगाओगे अपने कानों में तो वो चीज़ सुन भी सकते हो। और वॉइस चेंजर, यहाँ पे आपको ये चीज़ इनेबल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मिनियन के ऊपर सेलेक्ट कर दिया और वॉइस चेंजर इनेबल नहीं किया तो आपकी आवाज़ भाई चेंज नहीं होगी। सो प्लीज़ जब भी आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करें तो वॉइस चेंजेस ज़रूर लगाएं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ लग रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, नॉइज़ रिडक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कमाल का नॉइज़ रिडक्शन फीचर है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। देखो मुझे नहीं तुमसे मतलब है कि तुम कौन, पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत यंग मैन हूँ, सो प्लीज़ मेरे पास आओ। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और ध्यान में रखना कि अगर आपका माइक्रोफोन ना चले तो हमेशा ध्यान में रखना कि क्या आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोफोन इनेबल किया है या नहीं किया। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे एक दो और ऑप्शन है, जैसे आप किसी की भी आवाज़ लगाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मिनियन की लगी हुई है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मिनियन की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा ओरिजिनल फील नहीं हो रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उस आवाज़ को। मतलब यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम 50 पे मैं इसको कम कर सकता हूँ, पिच 50 पे इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और अपने हिसाब से उस आवाज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ जिससे कि मतलब मुझे परफेक्ट आवाज़ मिल सके। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हर किसी का माइक्रोफोन बहुत अच्छा नहीं होता। मान लेते हैं कि मेरे पास ये 3000 का माइक्रोफोन है, तो यहाँ पे हो सकता है इसकी आवाज़ उस क्वालिटी की ना आए जिस क्वालिटी की आपको पसंद हो, बट आपके पास हो सकता है 8000 10000 का माइक्रोफोन हो, बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन हो, तो उसमें जो होगा ना आवाज़ की क्वालिटी अपने आप इन्हेंस हो जाएगी और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में लेके चलना कि माइक्रोफोन की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट कर जाती है कई बार आवाज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ अपने हिसाब से रखना, कई माइक्रोफोन डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर बहुत ही गजब का काम करते हैं, बट अगर आपके माइक्रोफोन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि आवाज़ आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इसको आगे पीछे करके आवाज़ को मज़ेदार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, सिंपल से यूज़र गाइड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे यूज़र गाइड में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे कंप्यूटर में कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं इंस्टॉल है जिसके ऊपर मैं आवाज़ मतलब आप लोगों को पूरे टेस्ट करके दिखा सकूँ, बट मैं इसी के ऊपर टेस्टिंग दिखा दूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो जो फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर इसकी आवाज़ को आप लोग यूज़ कर सकते हो उनके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो फेमस सॉफ्टवेयर हमारा है वो डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड पे आप लोग अगर सेटिंग के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद वॉइस एंड वीडियो के ऊपर चले जाना। यहाँ पे देखो इनपुट डिवाइस डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे सिंपल से क्लिक करना और यहाँ पे ये जो हिट पाव वाला सेक्शन है इसको क्लिक कर देना। आपकी जो आवाज़ है ऑटोमेटिक डिस्कॉर्ड के अंदर भाई जो भी आपने कैरेक्टर हिट पॉ में चूज़ किया होगा वहाँ पे चली जाएगी। और मान लेते हैं कि नहीं जाती है हिट पॉ लगाने के बाद, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम्हें। सिंपल से यहाँ पे माइक्रोफोन ही लगा रहने देना और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल से आ जाना अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ये जो स्पीकर का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, स्पीकर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से भाई वॉइस चेंजर एक बार लगा के देख लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो लोगों का कंप्यूटर का ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो थोड़ा सा मतलब हिला हुआ होता है, तो कई बार यहाँ पे देखो वैसे ये आउटपुट के लिए है, मतलब ये स्पीकर के लिए, बट कई बार ड्राइवर्स की वजह से यहाँ पे भी दिक्कतें आ जाती है, तो एक बार यहाँ पे भी चेंज करके देख सकते हो अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम लगे तो। ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्पीकर का सेक्शन है, यहाँ से माइक्रोफोन से उतना कनेक्शन नहीं होता, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो एक बार यहाँ चेकआउट कर सकते हो सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बिल्कुल टेस्ट किया, वेल टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाकर चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ स्टीम का, सिंपल से मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ,
आप लोगों को सिंपल से क्या करना होता है, स्टीम के ऊपर सेलेक्ट करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है, और यहाँ से भी आप लोग वॉइस के सेक्शन पे जा करके, यहाँ आप देख सकते हो वॉइस इनपुट डिवाइस के ऊपर हेडपॉल लगा हुआ है। अगर आपके में यहाँ कोई भी दूसरा माइक्रोफोन लगाओ तो सिंपल से वहाँ से चेंज करके हेडपॉल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी वॉइस को अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ना चले तो नॉर्मल माइक्रोफोन यहाँ पे भी लगा करके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बेस्ट चलेगा। आई होप सो कि तुम लोगों को ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अब देखो एंड स्क्रीन के ऊपर पहुँचने से पहले आप लोगों को इस वॉइस के कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और याद रखिएगा मेरा जो माइक्रोफोन है वो 3-4 हज़ार रुपये का है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी आवाज़ थोड़ी सी वैरी कर सकती है अच्छे माइक्रोफोन में और हल्के से ख़राब माइक्रोफोन में। और एक चीज़ और, मैंने जब ये आवाज़ रिकॉर्ड की थी ना तो मैंने कोई भी नॉइज़ रिडक्शन नहीं लगाया, तो तुम लोग अपने दिमाग से ये सोच सकते हो कि विदाउट नॉइज़ रिडक्शन अगर ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो नॉइज़ रिडक्शन अगर मैं लगा दूंगा तो कितना कमाल का काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग वॉइस सैंपल्स इंजॉय करो, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। मैं तो बहुत ही सैड फ्रॉग हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, तुम मुझे प्लीज। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, कोई मुझे सुन सकता है क्या? अगर सुन रहे हो तो आओ मेरे पास। देखो मुझे नहीं तुमसे मतलब है कि तुम कौन, पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत यंग मैन हूँ, सो प्लीज मेरे पास आओ।